सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं 300 पुशअप करके आया हूँ। 100 वाइड ग्रिप, 100 क्लोज ग्रिप, 100 आर्चर, तीनों में फट गई है भाई। बहुत अब नहीं हो पाएगा, आज का हो गया कोटा, 300 हुआ है। कल तो 200 भी नहीं हो पाया था, 300 कर रहा हूँ, लेकिन कल समथिंग 170 कुछ कर पाया था। आज पुश करके 300 तक किया हूँ। और ये शोल्डर, ये पूरा दर्द दे रहा है बहुत ताबड़तोड़ से। और 300 पुशअप करने के बाद क्या पंप आया, मजा आया। तो गाइस ये देखो, 300 पुशअप के बाद इतना ये आता है, ये पंप आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। मैं शर्ट नहीं उतारूंगा, नहीं तो चेस्ट में भी दिखेगा ऐसे ये लाइन। ये जितना बल्किंग में जो चेस्ट ये पूरा मेरा खराब हो गया था, फॉर्म खराब हो गया था, वो अब पूरा फॉर्म वापस आएगा, दोबारा एक नंबर दिखेगा। तो अभी चलते हैं, शिफ्ट करते हैं बैक कैमरे पे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मम्मी मेरे को लेके जाती हैं हनुमान जी के मंदिर, तो हमको जाना पड़ेगा अभी सेक्टर 9 मंदिर। तो अभी आज ना थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा हेर फेर हो गया, तो अभी हम लोग ना, मैं थोड़ा ये फेस वॉश वगैरह कर लेता हूँ, इतने पसीने में जाऊँगा, इतना बदबू आएगा वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से जाते हैं। और उसके बाद भाभी मैं हाथ, अरे यार मैं कैमरा नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाथ दर्द दे रहा है। पता है मैं कैमरा नहीं पकड़ पा रहा हूँ व्लॉगिंग करते हुए, ऐसे पकड़ रहा ना तो ये हाथ दर्द, इधर शोल्डर दर्द दे रहा है। अरे तो चलो मेरा मैं चेंज करता यार, हूँ, लगा फिर बाहर चलते हैं, और इसके बाद हनुमान मंदिर चलते हैं, फिर इसके बाद बाहर जो भी होता है दिखाते हैं। कुछ पता तो है नहीं क्या होने वाला, लेकिन फिर भी तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं सेक्टर 9 हनुमान मंदिर। और अभी पीछे से लाइट आ रही है, अभी सामने से आएगी लाइट तो अच्छा व्यू आएगा। अभी पीछे से, अभी आ गई सामने से लाइट। तो अभी रात का समय है, तो भी इतनी भीड़, लाइन लगी है। अरे बाप रे, इतने रात को सोचे थे नहीं होगा भीड़, अभी भी लाइन लगी हुई है, बाप रे। तो चलो अब लाइन में लगते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। और एक और मस्त वाला न्यूज़ है, वो भी बताते हैं। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे भाई साहब रात में भी इतनी लाइन लगी पड़ी है। कितना प्यारा डॉगी, अरे बाप रे, मम्मी तो लाइन में लग गई इतना जल्दी, इतना भीड़ यहाँ पे। तो गैस हमारा मंदिर में यहाँ पे दर्शन हो गया, मम्मी भी प्रसाद ले खड़ी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ दिखी है तो सोचा आपको दिखाऊं। ये देखो, ये यहाँ मंदिर में किसी ने लगवाया है, जिनका नाम लिखा है श्री रामनाथ अग्रवाल न्यू कुर्सीपार द्वारा सप्रेम भेंट। यहाँ पे मतलब जो पंडित जी लोग रहते हैं और जो भी लोग आते हैं प्यासे, उनके लिए ठंडा पानी। अच्छा यार, करना है अपने को भी एक आध दिन ये सब, लेकिन थोड़ा सा बजट का इशू हो जाता है। तो गाइस हमारे यहाँ पे अच्छा खासा दर्शन हो गया। और ये जो टीका मैं लगाता हूँ ना, ये हमेशा ये बिना देखे लगाता हूँ, आँख बंद करके अपने हाथ से खुद से टीका खुद को, और मेरे नाक में, हाँ मम्मी के नाक में लगा दिया टीका। नाक में टीका नहीं लगा, नाक में मेरा उंगली था, मतलब ऐसे टच हुआ, नाक के अंदर नहीं गया उंगली, अच्छा हुआ, नहीं तो फिर हाथ धोना पड़ता। तो गैस और जो मैं बोल रहा था कि एक ठो गुड न्यूज़ है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब में अभी एक और $100 हो चुका है। अभी तो मिनिमम पे आउट होता है $100, तो $100 मीन्स होता है 7,500 एंड समथिंग रुपीज़, तो इतना, लेकिन वो पूरा नहीं आता, थोड़ा सा कटता है पैसा बीच में, ये USD to INR एक्सचेंज वगैरह करने में, कन्वर्ट करने में। तो अभी मेरा $100 हो चुका है, ओनली $4 रह चुका है, जो कि $4 मुझे अगले मंथ के 15 तक कंप्लीट करना है, तो मेरा पेमेंट आ जाएगा नेक्स्ट मंथ का। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग थोड़ा बहुत शेयर कर दोगे तो मेरा व्यूज़ आएगा, व्यूज़ से मुझे पैसे होंगे, तो पैसे मिलेंगे तो फिर वो जनरेट हो जाएगा, $4 बाकी है, यानी कि 280 रुपीज़ समथिंग बाकी है, तो वो 280 रुपीज़ आप लोग कंप्लीट करवा देना, ताकि नेक्स्ट मंथ मेरा पेमेंट आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं उस पेमेंट से ना, मतलब इधर ही इसी मंदिर में मैं सोच रहा हूँ एक भंडारा करवाने का, जितना बजट अलाउ करेगा तो मैं एक भंडारा भी कराऊंगा जल्दी ही, अगले महीने
होप सो हो जाए सब चीज़ें ठीक ठाक। अभी फ़िलहाल तो अभी तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ ही हो पाएगा। तो चलो अभी चलते हैं, बाइक चालू कर लिए अभी। मोबाइल रखेंगे फिर हम चलेंगे। मोबाइल रखेंगे नहीं, मोबाइल हाथ में पकड़ के चलेंगे। चलो गाइस चलते हैं, अभी जहाँ रुकेंगे वहाँ मिलते हैं।